मध्य प्रदेश के बड़वाह में नगर पालिका परिषद की नगर सीमा को बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत बड़वाह कछवा सरला नावघाट खेड़ी बावरी खेड़ा सहित रूपा बेड़ी और पंचायत के ग्राम टोकी की शामिल किए जाने की बात सामने आ रही। शासन के आदेश पर इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार भेजा गया। कुछ तकनीकियां त्रुटि थी, शासन नगर परिसीमन की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। परिसीमन की प्रक्रिया को पुनः दुरुस्त कर राज्य शासन को भेजने को लेकर वहां विधायक सचिन बिरला ने शनिवार को एक सार्वजनिक रूप से परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें एसडीएम मिलन ढोके सहित प्रशासनिक अधिकारी और नगरवासी शामिल हुए। परिसीमन को लेकर हम लोगों ने आज एक पूरे जो गांव जिनको सम्मिलित करना था नगर पालिका में, उन सब के हमारे जो बुद्धिजीवी है, सम्मानी नागरिक लोग हैं और जो क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं, उन सब लोगों को बुलाया था और उनसे 1-to-1 चर्चा करी कि आप लोग नगर पालिका क्षेत्र में मिलना चाहते हो या नहीं, क्योंकि उनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी थी। पूर्व में भी जो परिसीमन के लिए जो लेटर गया था वो तकनीकी कारणों के कारण निरस्त हो गया था। माननीय न्यायालय के आदेश से तकनीकी कारणों के कारण निरस्त हो चुका था, तो इसके लिए वापस से हम लोगों ने माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी से मैंने रूबरू होकर बात करी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि आप वापस से जाइए क्षेत्र में और जो भी समस्याएं हैं, जिस तरह से आप इसको कर सकते हो वापस से, जिन गांवों को हटाना है, जोड़ना है, बढ़ाना है, किस तरह का आप परिसीमन चाहते हो, उसके लिए आप उनसे एक मीटिंग कीजिए। तो मैंने उस माध्यम से मीटिंग रखते हुए हम लोग वापस से पूरे गाँव के लोगों से चर्चा करने के बाद में हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि उसमें बावड़ी खेड़ा जो गाँव है वहाँ थोड़ी समस्या है। वहाँ हमारा एक जैमलपुरा क्षेत्र है, बड़ा गरीब क्षेत्र है और वहाँ समस्याएँ बहुत ज़्यादा अधिक है। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग परिसमन के माध्यम से नगर पालिका में मिले, लेकिन गांव वाले नहीं चाहते बावड़ी खेड़ा, तो उसका भी हम समाधान निकाल रहे हैं। तो राणा, कौन कौन सी पंचायतों की राजी हुई है शामिल होने के लिए? एक बावड़ी खेड़ा पंचायत का हमारा जो गांव है हीरापुर और जैमलपुरा, वो है नावघाट खेड़ी है, सिरला है, कस्बा पंचायत है, बड़ा क्षेत्र हमारा कस्बा पंचायत है, इसमें कम से कम 20 कॉलोनियाँ हैं, छोटी मोटी कॉलोनियाँ 20 हैं, उसको भी हम लोग नगर पालिका में जोड़ रहे हैं।